इस वक्त हम हैं गांव पीली मंदोरी में और गांव पीली मंदोरी से धर्मवीर जी गोरछिया हमारे साथ हैं, जो कि सरपंच पद के यहाँ उम्मीदवार थे और इन्होंने एक शानदार जीत हासिल करते हुए जनता की सेवा करने का निर्णय लिया है और आज सरपंच पद के ऊपर विराजमान है और सरपंच के तौर पर ग्रामीणों ने इन्हें यह पदवी सौंपी है। तो आज धर्मवीर जी आप विजय श्री आपको हासिल हुई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को, बड़े बुजुर्गों को, सम्मानित माता और बहनों को और युवा साथियों को इसे विजय श्री की उनको उनकी मेहनत, उनके परिणाम और उनके विश्वास पर भी ये आधारित है, उनकी वजह से ये सब संभव हो पाया है। और मेरा फोकस है, स्टार्टिंग से मैं कहता आया हूँ कि मेरा फोकस है सपोर्ट्स, स्कूलिंग, सफाई पे ही फोकस रहेगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि यह परिवार हमेशा ही समाज सेवा से जुड़ा रहा है और पंचायत तौर पर सरपंच भी यहाँ से इनके घराने से रहे हैं, तो आज भी हम आपको बता दें कि ग्राम सेवक के रूप में ही ये हमेशा काम करते रहे हैं और आगे भी हमसे इन्हीं से यही उम्मीद रखते हैं। तो सर, आपके जो लक्ष्य रहे हैं, आगे क्या लक्ष्य होंगे, गाँव वाले ने आपसे क्या क्या उम्मीद लगा रखी, उसके बारे में जो हमें बताएंगे। गाँव वालों ने एक अच्छे विकास कार्य के लिए उम्मीद लगाकर मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उनकी बातों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और पहले भी एक बार 2005 से 2010 तक मेरी स्वर्गीय माता जी श्रीमती विद्या देवी जी सरपंच रही हैं, उस दौरान भी विकास के कार्यों में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कुछ अपने कुछ काम अधूरे रह गए थे, उन अधूरे कामों को ही पूरा करने का निश्चय मैं लेकर जनता के बीच में गया था और जनता ने मुझ पर विश्वास किया। कि जैसे इन्होंने बताया कि जो सपने अधूरे रह गए थे उन्हें साकार करने का समय इनके पास अब आया है, तो गांव में चहुंमुखी विकास होंगे इसके लिए ये काम करेंगे। ये थे गांव पीली मंदोर से धर्मवीर गोरछिया जी, सरपंच बने हैं और इनकी जीत पर हम बधाई देते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।